छपाक पर कई दिनों से घमासान जारी है। सोशल मीडिया पर छपाक को लेकर लोगों का विरोध लगातार हो रहा है और साथ ही बॉयकॉट छपाक का अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि दीपिका मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल होने लगी, जिसको लेकर कुछ लोगों ने उनके इस कदम की तारीफ की तो कुछ लोगों ने इसके विरोध में स्वर जो है बुलंद किए। कल छपाक रिलीज होने जा रही है, आइए जानते हैं लोगों से कि उनका राय क्या है, उनका क्या कुछ कहना है। पद्मावत के बाद दीपिका की फिल्म छपाक को लेकर दीपिका के सामने काफी मुसीबतें आ रही हैं, क्योंकि जब से वो जेएनयू गई हैं तो काफी बवाल चल रहा है। तो आज हम सीपी में मौजूद हैं और यहां से हम जनता से जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है, क्या उनको भी लगता है कि दीपिका ने जो किया जेएनयू जाकर वो एक पब्लिसिटी स्टंट है और बॉयकॉट होनी चाहिए छपाक या नहीं। तो आज जनता की राय हम आपके सामने रखेंगे। पद्मावत के बाद अब छपाक को लेकर नया बवाल सामने आ गया है, सब कह रहे हैं बॉयकॉट छपाक, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बट सिचुएशन जैसी दिल्ली में चल रही है तो मैं एग्जैक्टली सपोर्ट भी नहीं करूँगी तुम बॉयकॉट करो, बिकॉज इट नीड्स एफर्ट टू मेक सच अ फिल्म, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स हैं, उनके एफर्ट्स गए हैं, बहुत सारे मंथ्स हैं उनकी, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं और आप उस फिल्म को ऐसी बॉयकॉट कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा नहीं है। जब से दीपिका पादुकोण जेएनयू गई हैं एवरीवन इज लाइक कि छपाक को बॉयकॉट कर दो, आपको क्या लगता है? नो आई डोंट थिंक इट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट एंड इट शुड नॉट बी बॉयकॉट। और जेएनयू जाने को किस तरीके से देखते हो, लगता है कि जो वो गई थी तो किसी पब्लिसिटी के लिए गई थी या कुछ? एक्चुअली नेसेसरी टू डू, क्योंकि जे एन यू में लोगों ने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की हुई थी तो बच्चे वहाँ पे वैसे ही बहुत पिट गए थे। नाउ समवन गोइंग टू सपोर्ट, इट्स नॉट बैड, इट्स नेवर अ पब्लिसिटी, इट वाज अ गुड स्टेप। पब्लिक फिगर इज सपोर्टिंग देम, इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड दे शुड सपोर्ट। बॉलीवुड स्टार्स शुड टेक अ स्टैंड, बिकॉज उनके स्टैंड से बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग उनके ओपिनियन से अपना ओपिनियन बना लेते हैं, सो इट वॉज नेसेसरी। I don't think there is any need to boycott the film. It's an unnecessary controversy. Deepika has all the right to voice her opinion and actually I would applaud her for this. कि वो like Bollywood celebrities में जितने भी A-listers हैं, she is the only one जिसने out of the way जाके support किया है। Actually publicity stunt नहीं कहेंगे से, वो उसकी personal life है कि वो किसी चीज़ को वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और जो उसकी मूवी है वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो उसने प्रोफेशनली उसने जो बताया, जो वो शो करना चाहती है कि बेसिकली उस लड़की के साथ क्या हुआ था, तो इन दोनों में कोई पब्लिसिटी स्टंट वाला कोई सीन है नहीं और कोई मैटर है नहीं। आई थिंक दीपिका हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर अ सेलिब्रिटी टू गो टू दिस एक्सटेंड जस्ट टू सपोर्ट द पब्लिक एट अ टाइम व्हेन हर मूवी इज कमिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड पीपल शुड सपोर्ट हर, पीपल शुड बी इन हर फेवर and the movie should be promoted to a next level after this step. तो आपने देखा लोगों का साफ कहना था कि जो फिल्म है वो एक अच्छे मैसेज के साथ आ रही है तो उसको बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, और जो दीपिका ने जो भी किया वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, इसको प्रोफेशनल में नहीं लाना चाहिए। जितने भी लोगों से बात की उनका साफ कहना था कि उनको नहीं लगता कि इतनी अच्छी फिल्म बॉयकॉट होनी चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं फराह खान, आ9 टीवी दिल्ली।